हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। अगर आप भी बीटीयूपी बोर्ड यानी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि मैंने आप सभी को कल रात को ही अपडेट दिया था कि ये फॉर्म आपको भरना है, काफ़ी सारे बच्चे अभी इन्फॉर्मेशन नहीं पा पाए हैं। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर बीटीयूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके जितने भी परिचित स्टूडेंट या फिर आपके दोस्त वगैरह होंगे उन तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचा देंगे कि ये सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगे चल के। देखिए, जब दिक्कत होने लगती है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी आपने स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा, उसमें जब दिक्कत आ जाती है तो आप कमेंट करने लगते हैं कि सर ऐसा हो गया है, इस तरीके से हो गया, कैसे इसका सोल्यूशन होगा, जबकि उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, आप ऐसी गलतियाँ कर देते हैं। तो रजिस्ट्रेशन आप सही से करेंगे, क्या अपडेट आई थी पहले हम एक बार और अपडेट को दिखाएंगे किन किन बच्चों को भरना है। अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो अपने दोस्तों, अपने परिचित बच्चों या फिर अपने साथियों को जरूर शेयर कर देंगे कि हाँ आपको ये फॉर्म भरना है, कंपलसरी है, आने वाले समय में आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। हो सकता है आपका इसी के चलते डायरेक्ट और बढ़िया जगह जॉब लग जाए, आपको कुछ स्किल सीखने को मिल जाए, मतलब बहुत सारी जानकारियाँ आपको यहाँ से मिलेंगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अभी मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, गलतियाँ नहीं करनी है, इस बात का विशेष आप ध्यान रखेंगे कि गलतियाँ नहीं करनी है। काफ़ी सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हाँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, काफ़ी आसान है, कर देते हैं, गलत चीज़ें चूज कर लेते हैं और बाद में दिक्कत आ जाती है और उनका दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। आपको मालूम है कि एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे और कोई गलती नहीं करेंगे। सबसे पहले एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, अगर आप बीटीयूपी बोर्ड यानी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा होगा सभी स्टूडेंट्स के लिए। टेलीग्राम चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए कि वहाँ से हर एक प्रकार की ऑफिशियल यानी कहिए कि एजुकेशनल ऑफिशियल अपडेट आपको तुरंत प्रोवाइड की जाती है और ये सारी चीज़ें आपको शायद ही कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली होंगी, कोई बताएगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप टेलीग्राम पर रहेंगे, चैनल पर नहीं भी रहेंगे टेलीग्राम पर रहेंगे तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नए चैनल का लिंक दिख रहा होगा, उसको भी जाकर के आप चेकआउट जरूर करेंगे, इसलिए कि वहां से भी आपके लिए एजुकेशनल अपडेट्स या फिर आपके छोटे भाई वगैरह के लिए काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहां से मिलती है। तो उस चैनल को आप चेकआउट जरूर करेंगे, जाकर के सब्सक्राइब उसको आप जरूर करेंगे, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है। बात कर लेते हैं यहाँ पे इस फॉर्म के बारे में। सबसे पहले मैं आज जो नोटिस आई थी ऑफिशियल नोटिस उसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आपके इंटरफेस पे दिख रहा होगा ये नोटिस जो आई थी और 8/6/2022 यानी कल के डेट में ये नोटिस जारी की गई थी प्रावधिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश। और देखिए यहाँ पे सेवा में क्या दिया जा रहा है, समस्त प्रधानाचार्य राजकीय अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्था, यानी सेवा में समस्त प्रधानाचार्य से ये कहा जा रहा है कि आप सभी बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा दीजिए, सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा दीजिए पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए, ठीक है। विषय की बात करें, देखिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ AICTE स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट परख प्रोजेक्ट इन दी AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर देखिए महोदय की बात करें, महोदय कृपया उपरोक्त विषयक AICTE के ईमेल में दिनांक 28/3/2022 प्रति संलग्न का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। यहाँ पर देखिए ये जो मेन पॉइंट है सीधे शब्दों में कहा जा रहा है, उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट प्रकाश परख विकसित किया गया है। परख पोर्टल का मुख्य उद्देश्य AICTE अनुमोदन प्राप्त तकनीकी संस्थानों और उद्योगों की जरूरतों के बीच की खाई को भरना है, यानी जो आपके तकनीकी संस्थान हो गए और उद्योग हो गए कि जरूरतों के बीच की खाई को भरना है, यानी जितनी आपकी ज़रूरतें होती हैं, जितनी आपकी ज़रूरतें कंप्लीट नहीं हो पाती हैं या फिर आप जैसे कि मान लीजिए पढ़ रहे हैं उस टाइप का आपको स्किल और नॉलेज नहीं मिल पाता है, उसके बीच की खाई को भरना है, मतलब उसको मेंटेन करना है। अतः सभी संस्थानों को निर्देशित किया जाता है, देख सकते हैं सीधे शब्दों में लिखा गया है, अतः सभी संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि AICTE परख पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना सुनिश्चित करे, जिससे पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं का लाभ समस्त हितधारकों को उपलब्ध हो सके। सीधे शब्दों में यहाँ पे भावदी मनोज कुमार निदेशक है प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के। ये आपको जैसे कि कहते हैं आपका बीटीयूपी बोर्ड, तो उसके द्वारा ऑफिशियल नोटिस नहीं है लेकिन बीटीयूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ऑफिशियल नोटिस है। किन किन बच्चों को करना है ये भी देख लीजिए और इंपॉर्टेंट है पॉलिटेक्निक के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो। यहाँ देखिए HOD ऑफ सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन टू इंश्योर रजिस्ट्रेशन ऑफ सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर के बच्चों को नहीं करना है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों को करना है। स्टूडेंट ऑफ एबव सेड और ब्रांचेज यहाँ पर दिए, मतलब ये जो ब्रांच है आपको दिख रहा है सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, उसमें ऑप्शन आएगा भी, जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो उसमें ऑप्शन आएगा कि हाँ इन्हीं बच्चों को करना है, उसमें 4-5 ही ब्रांच रहेंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा, तो ये अपने दोस्तों वगैरह के पास, अगर आप इस कैटेगरी में इस ब्रांच के ना हो तो अपने दोस्तों के पास इस इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देख लीजिए कि क्या गलतियाँ हो रही है। चलिए मैं आपको इंटरफेस पर ले चलता हूँ।
देखिए इंटरफेस ओपन हो गया है, यहाँ पे ऊपर आपको टाइमिंग दिखा रहा होगा थर्सडे जून 9 2022 8:46:34 ऐसे सेकंड भी चल रहा है, सारी चीज़ें दी हुई है ठीक है। यहाँ पे आपको रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है, इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, लेकिन खास करके टेलीग्राम पे आप रहेंगे तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी पहुँचती रहेगी कि जो दिक्कतें आ रही है ठीक है। तो टेलीग्राम पे आप चले जाएंगे, लिंक ले लेंगे वहाँ से डायरेक्टली लिंक, यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब देखिए तीन ऑप्शन आएगा आपके पास, इंस्टीट्यूट, स्टूडेंट, फैकल्टी ठीक है। तो अब इसमें समस्या है और ये हो रही है कि स्टूडेंट के मतलब आपको इंस्टीट्यूट के हिसाब से करना है या फिर अपने स्टूडेंट के हिसाब से ठीक है। अगर इंस्टीट्यूट पर क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शन आएंगे, या कि यहाँ पे आपको स्टूडेंट पर क्लिक करना है। जैसे स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार का आपके पास इंटरफेस आएगा, लेकिन यहाँ पर नीचे दिखा रहा है नॉट एबल टू रजिस्टर रजिस्टर्ड इंडिविजुअली ठीक है। तो आपको किस तरीके से इसको रजिस्टर करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। आप अगर कमेंट करेंगे आपको ज़रूरत होगी, आप गलत तरीके से फॉर्म को फिलअप नहीं करेंगे, क्या क्या चीज़ें पूरी मेरी अभी समय है इसके बारे में, मतलब लाइव में आपको दिखा दूंगा कि कैसे फॉर्म को भरना है, फॉर्म को भरने के बाद क्या करना है, सारी प्रोसेस को मैं आपको बता दूंगा ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से रजिस्टर नहीं करना है, रजिस्टर किस तरीके से करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा अगर आप कमेंट करेंगे तो, अन्यथा मुझे ये मालूम चलेगा कि हाँ बच्चे सारे रजिस्टर कर लिए हैं गलत तरीके से या फिर सही तरीके से। तो आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे मालूम यही रहेगा कि हाँ बच्चे रजिस्टर कर लिए हैं या फिर गलत तरीके से किए हों या फिर सही तरीके से किए हों। तो आपको रजिस्ट्रेशन इस तरीके से करना है जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, तो किस तरीके से करना है उसके लिए आप कमेंट करें, कमेंट करेंगे तो मैं आपको एक वीडियो जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा कि आप सभी बच्चे रजिस्ट्रेशन कर लें, और जो भी इस कैटेगरी में होंगे अपने दोस्तों वगैरह के पास जरूर शेयर कर देंगे इन्फॉर्मेशन को। काफ़ी समझिए कि बड़ी अपडेट है, डायरेक्ट बोर्ड कह रहा है और संस्था काफ़ी तरीके की जो तकनीकी संस्थाएं होती है, तकनीकी बोर्ड होती है, वो सीधे आपको कह रही है कि इस पर आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो आप सभी को करना है, पहले तो सभी बच्चों को तक ये जानकारी आप पहुंचा दीजिए कि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हाँ रजिस्ट्रेशन करना है AICTE के माध्यम से परख पोर्टल पे ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैं आपको विशेष एक ऑफिशियली वीडियो, अभी थोड़ा सा दिक्कत चल रही है वहाँ पर खुल नहीं रहा है, मतलब काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, काफ़ी गड़बड़ी हो रही है। तो जब सारी चीज़ें सुधार हो जा रही है तो आज शाम तक मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।